हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस की एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और कैसे आप अपने प्रपोजल की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यू नीड टू लॉग ऑन टू www.parivesh.nic.in। दिस इज द होम पेज ऑफ परिवेश। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का पोर्टल है, जिसे हम प्रोएक्टिव and responsive facilitation by interactive, virtuous and environmental single window hub भी कहते हैं। इस वेब पोर्टल पर आप environment, forest, wildlife या coastal regulation zone clearances की applications को online submit कर सकते हैं, साथ ही अपने proposal को track कर सकते हैं। परिवेश एक transparent application है, जो MOEF के साथ आपकी interactions को facilitate करता है और अप्रेजल प्रोसेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टेट पोर्टल चेक करना चाहते हैं तो यूजफुल लिंक्स के अंडर स्टेट पोर्टल में जाकर आप किसी भी स्टेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पंजाब में 3 जुलाई 2015 के बाद से अब तक ईसी के जितने भी प्रपोजल सबमिट किए गए हैं, उनकी लाइव स्टैटिस्टिक्स आप इस विंडो पर एक्सेस कर सकते हैं। टोटल 538 प्रपोजल सबमिट किए गए हैं और फिर स्टेज वाइज इनको सेग्रीगेट भी किया गया है। तो कितने प्रपोजल्स कौन से स्टेज में हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन विद नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऑल इन ऑल, परिवेश इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ हेल्दी ई गवर्नेंस। आप सारे ही 538 प्रपोजल्स भी एक्सेस कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, जैसे इंफ्रा वन के अंडर ये सारे प्रपोजल्स शो हो रहे हैं, प्रोजेक्ट डिटेल्स, उनकी लोकेशन, इम्पॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू ईसी, प्रोपोनेंट नेम, करंट स्टेटस एट्सेट्रा। इन प्रोजेक्ट्स को ईसी ग्रांट हो चुकी है और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं, लाइक ईसी लेटर, रिपोर्ट्स, रिस्क असेसमेंट फॉर्म्स एट्सेट्रा। तो इस तरह से आप अपने प्रपोजल को ट्रैक कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही पैनल से एक्सेस कर सकते हैं अंडर वन सिंगल रूफ। इसी के लिए एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको परिवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक राइट हियर। ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसपे यूजर एजेंसी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ दो फॉर्म्स दिए हुए हैं, दोनों ही फिल करने होते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड प्रोपोनेंट डिटेल्स लाइक यूजर एजेंसी, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लीगल स्टेटस ऑफ यूजर एजेंसी लाइक स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट एट्सेट्रा, वेदर एनी प्रपोजल सबमिटेड बाय यूजर एजेंसी इन द पास्ट, यस और नो। ऑन द राइट साइड एप्लीकेंट डिटेल्स लाइक फुल नेम, डेजिग्नेशन, जेंडर, एड्रेस, ईमेल आईडी एट्सेट्रा। सो वंस यू सबमिट ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको एक एक्टिवेशन ईमेल आएगी ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। उसमें आपको अपना अकाउंट एक्टिवेशन लिंक मिल जाएगा। 24 आवर्स के अंदर आपको उस पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका परिवेश लॉगिन आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रोजेक्ट डिटेल्स और रिपोर्ट्स के साथ अपना प्रपोजल परिवेश पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। प्रपोजल सबमिट करने के बाद आपका प्रपोजल नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ईमेल में भी आ जाता है। यूजिंग दिस प्रपोजल नंबर यू कैन जस्ट ट्रैक योर प्रपोजल ऑन परिवेश। सो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू सर्च बाय सिंगल विंडो प्रपोजल नंबर एंड टाइप योर प्रपोजल नंबर इन दिस सर्च बॉक्स एंड क्लिक ऑन सर्च। यू शुड ऑलवेज कीप दिस प्रपोजल नंबर सेफ, क्योंकि इन केस आपका प्रपोजल रिटर्न हो जाता है, या जनरली रूटीन में भी 6 मंथली कंप्लायंसेज जब आपको सबमिट करनी होती हैं तो इस प्रपोजल नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो दिस इज फॉर अ लाइफ टाइम। सो वी होप यू लाइक्ड वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम अस। थैंक यू।